हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव, क्योंकि कल ईस्टर है और ईस्टर के दिन कब्र पर्व कहते हैं हम लोग, तो वो मनाया जाता है। और ईस्टर के दिन ग्रेव के ऊपर जाकर प्रेयर किया जाता है, क्योंकि मेरे पिताजी का ग्रेव है, ग्रेवयार्ड है वहाँ पर, तो वहाँ पर जा कर के प्रेयर करना पड़ता है हर साल ईस्टर के दिन में। तो वहीं पर जाएंगे और यहाँ से 160 किलोमीटर्स अवे है मेरा गांव, तो आज का ब्लॉग उसी का रहेगा। तो आज मेरे वीडियो को देखिए। अभी हम निकल चुके हैं और अभी हम लोग फूल खरीद रहे हैं, क्योंकि गांव में तो फूल मिलेगा नहीं, तो हमें लग जाएगा 2 से 3 घंटा, नहीं 3.5 घंटा लग जाएगा हमें वहां तक पहुंचने में। तो आप लोग मेरे वीडियो को सब बने रहें, देखते रहें, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा ब्यूटीफुल सीनरीज आता है रास्ते में। दोस्तों, हम पहुंचे हैं हिरन पार्क, ये डियर पार्क है, रांची से खूंटी के बीच में ये मिलता है ये जगह, और इसको जोड़ा पुल भी कहा जाता है। हिरन पार्क है, डियर पार्क। ये अंदर में कुछ कुछ हिरन पाए जाते हैं। ये है हिरन पार्क, बिरसा मृग विहार नाम है इस पार्क का। और आप देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, साल ट्रीज आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल दिस प्लेस। ये साल सखुआ का पेड़ है और उसमें फूल लगा हुआ है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। दीज आर साल ट्रीज लुकिंग वेरी नाइस। दोस्तों, यहाँ पर एक टर्निंग है खुटी पहुँचने से पहले, कृपया धीरे जाए लिखा हुआ है यहाँ पर। ये खुटी नाम का जगह है, ये रांची से करीब 25-26 किलोमीटर की दूरी में है। दोस्तों, अब रांची से सिमडेगा जाने वाले रोड के ऊपर चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि रोड कितना अच्छा है। दोस्तों, ये आंगनाबाड़ी है, यहाँ पर सावन वाला जो मेला होता है, वो कभी कभी सावन वाला मेला होता है यहाँ पर आंगनाबाड़ी। ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। तोरपा और यहाँ पर लाइन होटल है, यहाँ पर खाना खाएंगे। और ड्राइविंग मेरी बहन कर रही थी, काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग। दोस्तों, मैं लाइन होटल में खा रहा हूँ और चावल खाना मुझे अच्छा लगता है, लाइन होटल में खाया, बैठकर खाने में कुछ अलग मज़ा है। ये ढाबा है एक्चुअली, यहाँ पर उसका वगैरह अच्छा मिलता है। ये मेरी मॉम है, करिए ढाबे में। दोस्तों, मैं अभी चावल खा रहा हूँ, गरम गरम चावल है। मुझे दोपहर में चावल खाना एक हैबिट हो गया है। अंडा करी बहुत अच्छा बना है। तो इस ढाबा में खाना खा चुका, अब यहाँ से निकल रहा हूँ, हम लोग यहाँ से निकलेंगे अब। रोड में, गांव में रोड नॉर्मल रहता है ना, नई ही साइड होता है, कम गाड़ी देखते क्या रहता है, अब लग जाता है मेरा गाड़ी ही हो जा रहा है टाइप से।
दोस्तों हम शाम के 6:30 बजे करीब वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पर अपने दादू दादी पापा और जितने भी रिलेटिव्स नहीं हैं उनके कब्र के ऊपर फूल लगाया, माला लगाया। उसके बाद ये वीडियो है सुबह 3 बजे के पहले का। 3 बजे से वहाँ पर चर्च होना था और चर्च शुरू होने से पहले हम लोगों ने वहाँ पर कैंडल जलाया कब्र के ऊपर। और जितने भी लोग वहाँ पर थे उन्होंने अपने लोग जो नहीं रहे इस दुनिया में उनके कब्र के ऊपर में मोमबत्ती जलाया। और उसके बाद 1 घंटा तक चर्च हुआ, प्रोसेशन हुआ, प्रेयर हुआ। और इस तरह से ईस्टर मनाया जाता है। ईस्टर उस दिन को कहा जाता है जिस दिन जीसस क्राइस्ट मरने के 3 दिन बाद जी उठे थे। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।